पटना में दर्जनों थाना क्षेत्रों में चोरों ने लूट और चोरी की घटना से उत्पात मचा रखा था। पटना पुलिस ने शातिर चोर गैंग के 4 सदस्यों के साथ चोरी की सोना खरीदने वाले को 2 स्वर्ण कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 16 जनवरी की रात पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों के साथ 2 कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना के पत्रकार नगर थाने इलाके के दक्षिणी गोलंबर के पास यहां कार में बैठकर लूट की योजना बना रहे 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार साथियों से पूछताछ के बाद उनके निशानदेही पर 2 सोना कारोबारियों को भी पुलिस ने दानापुर इलाके से गिरफ्तार किया है। आदमियों का पता चला इनका, क्योंकि सस्पिशियस था, तो जब जैसे ही इनका पहचान कराई गई, इनमें से पता चला कि ये जो हैं एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये एकत्रित हुए थे। एक प्रोफेशनल गिरोह है जो कई थानों में, पटना में ये लोग कई चोरियां कर चुके हैं और बड़े बड़े इनके टारगेट्स होते हैं। बहुत हाई अमाउंट्स में ये जो है सोना और सिल्वर की ज्वेलरी जो है ये लूटते हैं, और काफ़ी दिनों से ये सक्रिय भी थे। और जब अब और ज़्यादा वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि इनमें से एक आदमी जो है एक मर्डर केस में भी वांटेड है, और ये लोग जो है अपने जो भी इनका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है उनको ठिकाने लगाने के लिए कुछ जो है ज्वेलरी का काम करने वालों के संबंध में थे। तो इसी चीज़ का जब सत्यापन किया गया तो जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये है कि इन चारों के नाम, बेसिकली जो घटना को प्लान करने वाले थे, अभी ये लोग जो है कॉलोनी मोड़ कंकड़बाग पे एक काम देखे हुए थे, जिसमें एक हाई वैल्यू टारगेट था इनका, इनको वहाँ पे जो है ये लूटपाट डकैती ये वो करने वाले थे। वो घर बता रहे हैं कि बंद था कुछ दिनों से। जो पकड़ा गया है उनमें से जो 4 हैं वो ये हैं, धीरज, सुनील, रोशन और मोहन। मोहन जो है अगम कुआं में एक मर्डर हुआ था, 383/22 केस है।